गरीबपुर नाम के जंगल में सभी पक्षी बहुत गरीब थे। एक बार वहाँ एक परिवार घूमने के लिए आता है। वो लोग खाने के लिए अपने साथ कई सारी चीजें लेकर आते हैं। आ जाओ बेटा, बहुत खेल लिया, अब कुछ खा लो। नहीं माँ, मुझे नहीं खाना, मैं खेल रही हूँ। लेकिन जब उसकी माँ उसके पास मैगी की प्लेट लेकर आती है तो खाऊंगी, गर्मा गर्म मैगी से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। वाह माँ, आपने तो बहुत अच्छी मैगी बनाई है। पिंकी को मैगी खाता देखकर सभी बच्चों के मुंह में पानी आ जाता है, तो वो बच्चों को भी एक एक चम्मच मैगी दे देती है। तब तक आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। ये लो, तुम भी खाओ। ये तो बहुत स्वादिष्ट है। क्या तुम्हारे खेतों में बहुत सी मैगी उगती है? क्या तुम हमें भी मैगी के बीज दे सकते हो ताकि हम लोग भी मैगी उगा सके? अरे बुद्धू, मैगी उगती नहीं है, ये तो मशीनों में बनाई जाती है। अगर तुमको इतनी पसंद आ रही है तो लो और खाओ। मैगी खाने के बाद सभी बच्चे अपने अपने घर जाते हैं। खाना बन गया है सुनहरी बेटा, खाना खा लो। माँ, मुझे ये खाना नहीं चाहिए, मुझे मैगी खानी है। टुनटुनी ने पहली बार मैगी के बारे में सुना। अरे बेटा, ये मैगी क्या होती है? ये नूडल है, मैंने आज ही खाया और मुझे वो बहुत पसंद है। आप भी वही बनाइए ना। सुनहरी बेटा, पर ये नूडल बनाते कैसे हैं? तुम बता दो तो मैं तुम्हारे लिए बना दूंगी। यही हाल कालू का भी था। उसने भी घर वालों को परेशान करके रखा हुआ था कि अब वो खाएगा तो बस मैगी ही। अरे आखिर इन बच्चों को क्या हो गया है? कालू ने जब से मैगी खाई है ना, तब से घर के खाने को हाथ ही नहीं लगा रहा है। मैं तो सोच सोच के परेशान हो गई हूँ कि उसके लिए मैगी कहाँ से लाऊं। सुंदरी बहन, अब तो बूढ़ी दादी ही कोई रास्ता बता सकती है। टुनटुनी बूढ़ी दादी के पास जाती है और उनको सारी बात बताती है। बूढ़ी दादी टुनटुनी को जंगल की इच्छा पूर्ति पेड़ के बारे में बताती है। बच्चों की जिद के सामने तो भगवान भी झुक जाते हैं बेटा। मैं कहीं से मैगी तो लाकर नहीं दे सकती, पर तुम जंगल में जाकर इच्छा पूर्ति पेड़ से मदद मांग सकती हो। मैंने सुना है इच्छा पूर्ति पेड़ मदद करने के बदले पहले हमारी परीक्षा लेता है। वो तो लेगा ही बेटा, आजकल मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता, पर तुम जाकर देख लो, अब सिर्फ वही पेड़ तुम्हारी मदद कर सकता है। टुनटुनी अब जंगल में जाती है और इच्छा पूर्ति पेड़ को ढूंढने लगती है। कुछ देर ढूंढने पर उसको घने पेड़ों के बीच वो इच्छा पूर्ति पेड़ मिल जाता है। तुम ही वो इच्छा पूर्ति पेड़ हो जो पक्षियों की इच्छाएं पूरी करते हो? हाँ, मैं ही इच्छा पूर्ति पेड़ हूँ। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? मुझे मैगी चाहिए। मेरी बेटी जिद पर अड़ी हुई है कि अगर मैगी नहीं मिली तो वो खाना ही नहीं खाएगी। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, पर तुम्हें इसके लिए परीक्षा देनी होगी। अगर तुम इसमें सफल हो गए तो मैं तुम्हें ऐसी जगह के बारे में बताऊँगा जो कि मैगी से बनी है। ठीक है, आप मेरी परीक्षा शुरू कीजिए। मैं तुम्हारी बेटी के लिए खाने का इंतजाम करूंगा, पर तुम्हें भी उसके बदले में मेरे बच्चों के लिए खाना देना होगा। क्या तुम ये कर सकती हो? हाँ, ये तो आसान काम है। ये आसान काम नहीं है, क्योंकि तुम्हारा तो एक ही बेटा है, पर मेरे 200 से भी ज्यादा बच्चे हैं। तुम्हें सभी की जड़ों में खाद और पानी देना होगा। टुनटुनी चिड़िया इच्छा पूर्ति की जड़ों में गड्ढा खोदती है और उनमें खाद डालती है। तुमने ये काम शुरू तो कर दिया, पर इसे खत्म होने में बहुत समय लग जाएगा। जब तक तुम्हारी बेटी भूखी कैसे रहेगी? मैं दिन रात मेहनत करके ये काम जल्दी ही पूरा कर दूंगी ताकि मेरी बेटी को जल्दी खाना मिले। अब टुनटुनी दुगनी मेहनत से काम करना शुरू कर देती है। जल्दी वो सभी पेड़ों में पानी डालने का काम पूरा कर देती है। तुमने पूरी ईमानदारी से अपना काम पूरा कर दिया है। अब मैं तुम्हारे बच्चों के लिए मैगी का गांव बना दूंगा। जाओ, अपने बच्चों को लेकर जाओ। टुनटुनी घर जाती है और सुनहरी कालू बाकी बच्चों को लेकर इच्छा पूर्ति पेड़ के पास आती है। आ जाओ बच्चों, इस जादुई दरवाजे के अंदर एक विशाल मैगी गांव है। तुम सभी को जितनी मैगी खानी है तुम यहाँ खा सकते हो।
इतना कहते ही इच्छा पूर्ति पेड़ के बीच में से एक बहुत बड़ा दरवाजा खुलता है और सभी बच्चे उसके अंदर चले जाते हैं। वाह, यहाँ तो बहुत सारी मैगी है। ये पूरा जंगल सिर्फ मैगी से बना है। पेड़ों पर मैगी लगी है, झरनों से भी मैगी बह रही है। पास में एक बहुत बड़ा मैगी का तालाब भी था। मैं तो पेट भर के खाऊंगी। मैं तो पेट भरने के बाद भी खाऊंगी। सभी बच्चे मैगी खाने के बाद वहीं पर आराम करते हैं। अगले दिन फिर से सभी बच्चे उठते हैं। अब सभी बच्चे फिर से मैगी खाना शुरू करते हैं। सभी बच्चों का मैगी से मन ही भर जाता है। यार, मेरा तो इसको देखने का भी मन नहीं कर रहा है। मुझे तो पापा के हाथों की रोटी सब्जी खानी है। तो घर चले, वैसे भी हमारे घर वाले हमारे लिए परेशान हो रहे होंगे। और सभी बच्चे वहाँ से दरवाजे के पास चले आते हैं। खुल जा सिमसिम। जादुई मंत्र सुनने के बाद जादुई दरवाजा खुल जाता है। जादुई दरवाजे को पार करके वो सब अपने घर चले आते हैं। अरे तुम, मैं वापस आ गई मम्मी। अब मुझे और मैगी नहीं खानी है, मुझे आपके हाथ का खाना खाना है। ठीक है बेटा, तुम बैठ जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। और इस तरह सभी बच्चों की मैगी खाने की जिद पूरी हो जाती है और वो सभी अपने घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। सब्जी ले लो सब्जी, जंगल के पक्षियों, ये हरी हरी ताजी ताजी सब्जी ले लो सब्जी। अरे भैया, अरे सब्जी वाले भैया जरा रुकना। हाँ बोलिए भाभी जी, क्या दे दूँ? आलू, प्याज, टमाटर, भिंडी, गोभी, टिंडा, करेला, शिमला मिर्च, तोरई, ये सब सब्जियाँ बढ़िया बढ़िया लाया हूँ। एक करेला दे दे बस। तब तक आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। एक करेला बस, मतलब एक किलो ना, अभी तोल देता हूँ। अरे अरे भैया, इतने सारे थोड़ी, एक करेला, मुझे बस एक ही करेला चाहिए, एक किलो नहीं। एक करेला थोड़ी दूंगा माता जी, उसमें क्या तोल भाव करूंगा, बताइए। अरे जब चाहिए एक तो एक ही खरीदूंगी और मैं तुझे अपने हिसाब से पैसे दे दूंगी। अच्छा तो 5 रुपए का बन रहा है एक करेला। क्या, इतना सरा सा करेला 5 रुपए का? पागल समझा ही क्या मुझे? ये पकड़ 2 रुपए और करेला इधर दे। हाँ दे रहा हूँ भाभी जी, और बताओ क्या लेना है? बस और क्या लेना है, एक करेला काफी है आज के लिए, इसकी सब्जी बन जाएगी। कल दोबारा आएगा तो फिर कोई सब्जी ले लूँगी। कैसी कंजूस है ये भाभी जी, एक टिंडा, एक टमाटर, एक प्याज और आज एक करेला, रोजाना मेरा इतना समय खराब कर देती है, मानो ढेरों सब्जी खरीद रही हो। अब तो इस गली में रुकूंगा ही नहीं, राम जाने इनके घर वाले इनके साथ कैसे रहते होंगे। ये है टुनटुनी चिड़िया। टुनटुनी अपने पति और बेटी बहू के साथ इस जंगल में कई सालों से रह रही है। टुनटुनी के कंजूस स्वभाव को जंगल में सब जानते हैं, इसलिए सभी पक्षी टुनटुनी चिड़िया से दूर रहते हैं। टुनटुनी चिड़िया कंजूस के साथ साथ बहुत ही चालाक भी है। अपने पैसे बचाने के लिए वो कोई न कोई नया तरीका ढूंढती रहती है। अरे बहू, इस करेले के 6 टुकड़े आराम से हो जाएंगे और हम सबको पूरे हो जाएंगे। एक प्याज डालकर इसकी सब्जी बना लेना, रात में कोई इतना नहीं खाता। बस जहाँ देखो वहाँ कंजूसी करके अपने पैसे बचाती रहती हैं। भला एक करेले की सब्जी कैसे पूरी होगी, सूंघ सूंघ कर खाना पड़ता है सब कुछ। मन ही मन क्या बुदबुदा रही है? कुछ नहीं माँ जी, वो चीनी का डिब्बा खाली हो गया है। क्या, चीनी खत्म कर दी? कितनी चीनी लगा देती है बहू? जाओ भंडार घर से डिब्बा उठा कर लाओ, मैं खुद दूंगी, अपने आप मत लेना। पिंकी चिड़िया चीनी का डिब्बा ले आती है और टुनटुनी अपने हाथों से उसे 10 चम्मच चीनी दे देती है। ये ले चीनी और चाय में गिनकर सिर्फ 5 दाने चीनी के डाला कर, ज्यादा मीठी चाय सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। माँ जी 10 चम्मच, वो भी छोटे वाले, ये तो कुछ भी नहीं है। ये चीनी तो 15 दिन क्या, एक हफ्ता भी नहीं चलेगी। जितनी दी है उतनी ही लो, इससे ज्यादा नहीं मिलेगी। घर चलाना किसे कहते हैं, मेरे सिसी को। टुनटुनी और पिंकी चिड़िया बात कर ही रहे थे कि तभी दरवाजे पर बिजली का बिल वाला हरी तोता आ जाता है। माता जी बिजली का बिल ले लो। इतनी जल्दी बिजली का बिल भी आ गया, अभी तो आया था भैया, लाओ भैया। तो टुनटुनी चिड़िया बिजली का बिल देखते ही घबरा जाती है। 8,000 रुपए, इतना बिल, हे राम, ये सब
गर्मियों की वजह से हुआ है। गर्मियों में और चलाओ एसी, पूरी रात एसी, दिन में भी एसी, एसी ही एसी। अब पंखा चला रखा है, इसे बंद करो, आज मौसम अच्छा है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया टीवी में एक नाटक देख रही थी, जिसमें उसने देखा कि एक चिड़िया ने मीटर की सेटिंग करवाई थी, जिससे उसका बिजली का बिल बिल्कुल भी नहीं आया। और वहीं से टुनटुनी का दिमाग घूमने लगा। उसने एक बिजली की दुकान पर काम करने वाले कौवे को अपने साथ मिला लिया और उसे रिश्वत देने लगी। देखो भैया, मैं तुम्हें अभी के भी 200 रुपए दूंगी, इस बिजली की मीटर में सेटिंग कर दो, ताकि बिजली का बिल कम से कम आए, और ऐसी सेटिंग करना कि बिजली विभाग वालों को पता न चले। भाभी जी चिंता मत करो, हमारा तो ये रोज का काम है करंट लगा के, मैं मीटर में ऐसी सेटिंग कर दूंगा ना, बिजली विभाग वाले ढूंढ ही नहीं पाएंगे करंट लगा के। पर 100 रुपए और बढ़ा दो माता जी, बड़ा कम दे रही हो 200 रुपए। एक काम कर तू, जा मैं किसी और बिजली वाले को बुला लूंगी, 200 से 1 रुपए ऊपर नहीं दूंगी, करना है तो कर, नहीं तो और भी बिजली वाले हैं मेरी नजर में। अरे अरे आप तो गुस्सा हो गए, कर रहा हूँ ना, कर रहा हूँ। ये लो कर दी मैंने सेटिंग, अब आपका बिजली का बिल कम से कम आएगा करंट लगा के। टुनटुनी चिड़िया खुश हो जाती है। अरे पिंकी बहू, अब जितनी मर्जी पंखा कूलर एसी चलाओ, बिल आएगा ही नहीं। माँ जी बिजली चोरी करना अपराध है, अगर किसी को पता चल गया तो जुर्माना लग जाएगा। तू अपने काम से काम रख, और खबरदार अगर तूने अपने ससुर जी गोलू को ये बात बताई। तभी वहाँ दरवाजे पे खड़ी टुनटुनी की पड़ोसन सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया पिंकी की सारी बात सुन लेती है और बिजली विभाग वालों को टुनटुनी के बारे में खबर दे देती है। बिजली विभाग वाले टुनटुनी चिड़िया के घर छापा मार देते हैं और मीटर की चेकिंग करते हैं, जिसमें साफ साफ घोटाला नजर आ गया। टुनटुनी चिड़िया को 60,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ा। तुम्हें कितना समझाया था कि इतनी कंजूसी करना ठीक नहीं है, पर तुम कहाँ मानने वाली थी, अब बचत करने के चक्कर में 60,000 रुपए का नुकसान हो गया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ये सुंदरी ने सारा काम खराब किया है, वो मुझसे जलती है ना, आप लोग मुझे माफ कर दो, अब से मैं कभी कंजूसी नहीं करूँगी। टुनटुनी चिड़िया को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उस दिन से टुनटुनी चिड़िया ने कंजूसी करना छोड़ दिया और फिर सभी खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं।